क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा एंड वेलोसिटी वी तो वेलोसिटी वी और टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी find the dimension of length and time. दो क्वेश्चन है इसी में, आपको दोनों का डायमेंशन डिपेक्ट करना है क्या होगा. चलो बताओ क्या आंसर होगा, कैसे बनाओगे, व्हाट विल बी द अप्रोच. इससे पहले वाले पोर्शन में किसी का डाउट है? चलो इसको सॉल्व करो. पहले लेंथ करते हैं, तो लेट एल इज इक्वल टू आपका है एफ टू द पावर ए, एटा टू द पावर बी एंड वी टू द पावर सी. तो ऑफकोर्स एलएचएस में तो एल है केवल, आरएचएस का डायमेंशन लिख लेते हैं. होगा अभी इक्वेट करना है. एल एच एस में केवल एल है, तो एल का पावर वन हो जाएगा, मतलब ए माइनस बी प्लस सी वन हो जाएगा, बाकी सारा जीरो होगा.
क्या करो, ए का बी का वैल्यू दोनों में डाल दो, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में बी का वैल्यू डालो तो कितना होता है, बी इक्वल टू माइनस ए है तो ए प्लस सी इक्वल टू वन हो गया, और इसमें डालोगे बी इक्वल टू माइनस ए तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ए इक्वल टू आ गया वन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ए का वैल्यू वन आ गया, ए का वैल्यू वन मतलब बी का वैल्यू माइनस वन, एंड ए का वैल्यू वन आ गया तो सी का वैल्यू भी माइनस वन, इतना सिंपल था लोग नहीं बना पाए। इट वॉज सो सिंपल। सेकेंड कैलकुलेट कर सकते हो एटलीस्ट, वो भी नहीं होगा? यस सर, एक मिनट से ट्राई कर। कल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो, आवाज नहीं आ रही है। सर कैलकुलेट हो गया बट कंपेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। यस सर, लास्ट कुछ लाइन नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसी चलते तो इतना सारा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सीखना है ना धीरे धीरे, सीखना तो पड़ेगा। कंपेयरिंग नहीं कहो कि कैलकुलेशन में आपका लीनियर इक्वेशन सॉल्विंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कंपेयरिंग में क्या है, m का पावर इक्वेट नहीं करने आ रहा, ये हो ही नहीं सकता है सर लीनियर इक्वेशन में। हाँ, सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो भाई आपको मेहनत करना होगा वहां पर, you will have to work out to sort out that problem. और माइंड में रखो मैथमेटिक्स थ्रू आउट आने वाली है, अब ये नहीं सोचो कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा दिया चलो खत्म हो गया तो हेडेक खत्म हो गया, नहीं, वहां से आपका हेडेक चालू होता है। चलो अब टी का उसी तरीके से लिखोगे, ऑफ कोर्स आरएचएस फिर से सेम आने वाला है, बस यहां पर चेंज होने वाला है, एम को इक्वेट करोगे जीरो होगा, एल को इक्वेट करोगे जीरो होगा, बस टी को इक्वेट करोगे यहां पर वन आएगा जीरो की जगह, बस और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, ठीक है। मैं डायरेक्ट ऊपर वाला टर्म लिख ले रहा हूं, एम टू द पावर ए प्लस बी, एल टू द पावर ए माइनस बी प्लस सी, टी टू द पावर माइनस टू ए माइनस बी माइनस सी। अब जब कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, एम और एल का कंपैरिजन में जीरो होने वाला, तो ए प्लस बी विल बी जीरो, एल करोगे फिर से ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, बट टी के केस में जीरो नहीं आएगा वन, फिर से बी इक्वल टू माइनस ए पुट कर दो तो 2a plus c equal to 0 हो गया, इसमें पुट कर दो तो फिर से a plus c equal to minus 1, सब्ट्रैक्ट करोगे फिर से तो a equal to 1 आ जाएगा, और a 1 आ गया तो c equal to minus 2 आ गया and b equal to minus 1। देख रहा हूँ बहुत आसानी से आ गया, अब एक शॉर्टकट भी इसका था, कैसे हम लेंथ का ऑलरेडी जानते हैं, ध्यान दो लेंथ का मैंने कैलकुलेट कर रखा ऊपर में, क्या है एल इक्वल टू हमने निकाल रखा है एफ एटा माइनस वन वी माइनस वन, अगर लेंथ में वेलोसिटी से डिवाइड कर दो तो टी आ जाएगा, लेंथ में अगर वेलोसिटी से डिवाइड करोगे तो टी आएगा, तो इस चलते शॉर्टकट हो गया क्या।
बस हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए गिवन इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन एक ले लो, where rho and sigma are the densities। जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बाकी टर्म आप जानते हो। बोल रहा है कि चेक वेदर द एक्सप्रेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट। चलो सॉल्व करो। सर v इज इक्वल टू 2 बाय क्या लिखे? 2/9 है।
हुआ किसी का? टेक योर टाइम, तो मैं पॉज कर देना रिकॉर्डिंग. चलो LHS में देख लो. RHS देख लो. जी हो गया LT-2, R² L² हो गया. डेंसिटी रो है, ध्यान देना. तो क्या हो जाएगा? अपॉन एटा. चलो सॉल्व करो. सर माइनस में भी तो कुछ है ना न्यूमरेटर में. क्या 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 सर? न्यूमरेटर में माइनस में भी तो है, रो माइनस डिफरेंस कांस्टेंट. हाँ लिखो. होगा तो जैसे समझो 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, क्या लिखोगे? टू या 2 न्यूटन? सर 2 न्यूटन. 2 न्यूटन होगा ना, मतलब न्यूटन तो रह गया. हम लोग जब सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं ना, तो केवल वो न्यूमेरिकल कांस्टेंट का होता है. ठीक है, चलो करो, देखो मैच करो कितना आ रहा है. हमें तो सेम आ गया. कुछ बात समझ में आई? बूमरिंग का नाम जानते हो? एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के जंगल में जो लोग होते हैं ना, वो लोग इसका यूज करते हैं. इसका स्पेसिफिकेशन जानते हो? ये जीके का क्वेश्चन है. इसका खासियत कोई सर? फेंकते हैं तो घूम के वापस आ जाता है. यस करेक्ट. दिस इज द ओनली वेपन इन द वर्ल्ड Which comes back after throwing. और इसमें ऐसा नहीं कोई मैकेनिकल डिवाइस लगा हुआ है या ऑपरेटर, रडार ऑपरेटर है कि उसको ऑपरेट करके रिटर्न बैक करता है. जानते थे? तो अब आप लोग बच करके रहोगे भाई. आप लोग सोल्व नहीं करोगे, यहां से बूमरिंग फेंकूंगा, मुड़ी काट के चलाएगा. Okay, the resistive force on it should be
क्योंकि सर हम लोगों ने तो इसका थ्योरी पढ़ा नहीं है तो कहाँ से फोर्स निकालेंगे। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। चलो सोल्व करो, कौन सा सही ऑप्शन है बताओ। तो ध्यान दो, एनालिसिस का कुछ रूल्स को आपको जानना होगा, कुछ बेसिक्स रूल ही जानने होंगे। बहुत सिंपल है, एक रूल में जस्ट लिखवा दे रहा हूं, ध्यान देना। किसी भी फंक्शन या नंबर का पावर साइन के अंदर जो एंगल होता है, साइन कॉस टेन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो एंगल होगा या लॉग के अंदर जो वैल्यू होता है, ये सभी वैल्यू डायमेंशनलेस होने चाहिए। क्योंकि लॉग ऑफ नंबर निकालते हैं, लॉग ऑफ फोर्स नहीं निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि लॉग ऑफ 10 न्यूटन आप निकाल सकते हो, log of 10 निकाल सकते हो, मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि sin of some values can be calculated, dimensionless value, some number, ठीक है? मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब power of any physical quantity or number, मतलब कि जैसे यहाँ पर हो गया फोर्स का स्क्वायर बोल सकते हैं, फोर्स का पावर 2 न्यूटन नहीं लिख सकते हो, या फोर्स का पावर 2 मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकते हो, पावर में पावर मस्ट बी अ नंबर, मेरी बात समझ आ रही है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पावर हो या नंबर का पावर हो, जैसे 5 to the power 2 meter कितना होगा? नहीं होगा, ये इनवैलिड है। 5 to the power 2 हम जानते हैं, लेकिन 5 to the power 2 meter नॉट पॉसिबल। तो पावर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी और नंबर, फिर क्या हो जाएगा सेकंड? एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड value for which log is calculated, must be a dimensionless number। कुछ बात समझ में आई कि नहीं?
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और इसी रूल पर यहाँ पर बनने वाला है। अब इसको समझो, अगर ये रेजिस्टिव फोर्स की बात कर रहा है, मतलब कि LHS में फोर्स लिखेंगे, ये सारा फोर्स का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो ध्यान दो इनटू लॉग है, ये तो नंबर हो गया ना, लॉग किसी का निकाले, ये नंबर हो गया, मतलब कि इसका डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए और ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। कुछ बात समझ आ रही है कि नहीं? लॉग के अंदर का जो मटेरियल है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए एंड ये जो बाहर का फिजिकल क्वांटिटी है मल्टीप्लाइड आउटसाइड द लॉग दैट मस्ट बी डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो कुछ बात समझ आया यार, या किसी को डाउट है? मैं जो कंसेप्ट समझाया इसमें किसी को डाउट है मैं जो बोल रहा हूँ? हाँ या ना? ना तो फिर मैं चुप रहूंगा, आपको बनाना होगा। सर एक बार फिर से बता दीजिए। मैं बोला लॉग के, लॉग या लॉग के अंदर का सारा मटेरियल नंबर आने वाला है, ठीक है? तो ये नंबर हुआ, मतलब कि ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए? फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो यही हम लोग को चेक करना है कि लॉग के पहले जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है वो फोर्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए और लॉग के अंदर जो क्वांटिटी यूज है वो डायमेंशन लेस होना चाहिए। दिस इज द चेकिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, यही आपको चेक करना है।